आप ऐसे क्यों रखे हो, नीचे सॉक्स, बीच में शॉर्ट्स, ऊपर से स्वेटर, ये क्या कॉम्बिनेशन हो पापा? पापा का क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है काम कर करके? तो यहाँ पे कल तो थोड़ा बहुत वो हो रहा था, आज थोड़ा टांच फांच कर दिया है, सारे गमले वगैरह सब यहाँ पे हो रहे थे। हाय, तो यहाँ पे सारे गमले वगैरह सब इधर ही हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे ऐसे मिट्टी विट्टी सी हो रही है। तो यहाँ पे हेलो दीदी, हाय शैना, आज हम पिथौरागढ़ मार्केट। हेलो मम्मा, आफ्टर 10 इयर्स। 10 इयर्स लास्ट ईयर नहीं गए थे ना, जब लास्ट बार आए थे कोरोना के टाइम पे आई थी ना, फिर नहीं गई थी। अच्छा अच्छा, मैं शादी के बाद मैं आज ही जा रही हूँ मार्केट। चलो बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय द ब्लॉग। कैसा आप सोच रहे हैं, चश्मा पहनते मेरी आँख नहीं खुलती है, सच में नहीं खुलती है, इसलिए मैं ऐसे पहनती हूँ। तो वेलकम टू माय द ब्लॉग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत अच्छे कर रहे हैं ना। तो फाइनली ये देखो, हम अपने घर पे पहुँच गए, पिथौरागढ़ हमारा घर है और पूरा अच्छे से बाद में आपको दिखाऊंगी। तो ये आज हम निकले हैं मार्केट के लिए। यार मतलब लास्ट ईयर हम जब आए थे 2-4 साल पहले, तो मार्केट मुझे भी याद नहीं है कि मैं गई थी या नहीं गई थी ना, कोरोना कोरोना चल रहा था तो हम सिर्फ घर पे आए थे। तो बट अभी हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए। फ्रेंड का नाम भी है करुणा है, करुणा है। तो फिर अभी हम लोग निकल गए, चलो बाय पापा। दिख रहे हो पता नहीं, हाँ दिख तो रहे। तो चलिए हमें मार्केट में थोड़ा बहुत काम है, आज हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। अपना बैग नहीं लाई? विच बैग? नहीं लाई, जानबूझ के नहीं लाई। हाँ ऐसे अभी क्या दुन, 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 दुन। तो हमारे यहाँ पे ऐसे रास्ते होते हैं और ऊपर 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 घर होते हैं। एक दिन शैनल लगती रहो, एक दिन सुप्रिया पूछ रही थी कि पहाड़ी बाटूमा क्या होता है करके, ठुमक ठुमक तो। तो ये होता है सुप्रिया पहाड़ी बाटूमा, पहाड़ के रास्ते, पहाड़ी ऐसे रास्ता ना हमारे ऊपर ऊपर होता है। तो ये सुप्रिया के लिए स्पेशली मैंने बनाया, देख मेरे को याद आ रहा था, मैं जब बोलूँगी तो तेरे को ऐसा बताऊँगी करके। तो ये है सुप्रिया हमारे पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी बाटूमा, और ये है आजकल तो सारे घर बन गए, पहले ये घर नहीं था, ये घर नहीं था, काफ़ी कुछ बन गया। So hello guys, we are going down from this slope and then we are going to sit in a jeep and I have never seen a jeep or never sat on a jeep. So first time I see a jeep and sit on a jeep. तो पहले पापा कार में ड्रॉप करने आए थे या मार्केट आने वाले थे, तो फिर इसको जीप से जाने का बहुत शौक हो रहा है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मतलब जो यहाँ से वो तो ऑब्वियसली सब कुछ पता है, जो मेरे फ्रेंड्स लोग वहाँ से देखते हैं तो उनको बताना अच्छा लगता है मुझे अपने जगह के बारे में कि कैसा क्या है, कैसा क्या है। तो हम लोग जाएंगे अभी यहाँ से, जैसे वहाँ पर ऑटो रिक्शा चलती रहती है ना जगह टू जगह, 6 सीटर्स वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ का लोकल व्हीकल जीप है, तो जीप में बैठते हैं और मार्केट को जाते हैं। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। हाँ मैं जाऊंगी मासी, जीप तो ये होता है, बहुत जरूरी है, मैं कुछ जाना चाहती हूँ। आप करते हो इन चीज़ों में, आपको हिला नहीं करनी चाहिए, हिला थोड़ी पापा करके आ रहे हैं। नहीं तो ये देखिए ऐसे कहते हैं जीप। मैंने भी कभी नहीं देखी जीप। मम्मा आ जाओ, जीप बुला रही है हमको। ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, नहीं तो हाँ बीच में बैठना है हमको, हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। तो ये है हमारी जीप। होगी जगह आ रहा है मजा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि चढ़ाई होती है रोडों में, तो ऑटो नहीं चल सकती हैं, इसलिए यहाँ पे जीप चलती है ट्रैवलर के लिए। पर यहाँ पे अभी एक ऑटो आया है। हाँ मैंने एक रील में देखा था कि एक ऑटो दिख रहा था मुझे भी थोड़ा घर में, बहुत मजा आ रहा है जीप में। एंजॉय हमारा।
go sit 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 no I can't no I'll help you come यस पुल कीप योर लेग्स अप देखो इसको बीच में बैठने का इतना शौक हो रहा है गाड़ी रुका कि हम बीच में बैठा हाउ इज इट डन कम कीप योर लेग देयर तुम जानते हो किसी को तो हम लोग पहुंच गए सिलथाम मार्केट में तो जब भी हम लोग को मार्केट आना होता है जो हमारी गाड़ी होती है जीप वो हमको सिलथाम में ड्रॉप करती है अभी हम यहाँ से चल चल के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं एक्चुअली अंदर अरे मामा पर्स दे दो एक्चुअली अंदर को ना जो छोटी छोटी बाइक्स टू व्हीलर्स होती है वही जा सकती हैं तो अभी हम लोग अंदर को जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी पूरी मार्केट एंड एवरीथिंग तो यहाँ से ऊपर को दो रोड जाती हैं यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जा सकती है पर ये मेन मार्केट को नहीं जाता घूम फिर के मार्केट को आता है और ये है चल के जाने वाला रास्ता अभी थोड़ी प्लान्स नहीं है तो अभी हम लोग यहाँ से चले गए हैं यहाँ से चल के जाते हैं और आजू बाजू दोनों साइड को आपको शॉप्स वगैरह मिलेंगी वैसे जैसे सारे हिल स्टेशन की मार्केट होती है वैसी है जब भी हम कहीं भी जाते हैं जैसे नैनीताल हो गया मसूरी हो गया डलहौजी गए थे सारी मार्केट्स वैसी होती है वैसे तो पर यहाँ पर टू व्हीलर्स वगैरह अलाउड नहीं है थोड़ा अंदर तक है बट ज़्यादा नहीं है क्या हुआ तो देखिए यहीं पर ही तक आती है स्कूटी वगैरह भी यहाँ से ब्लॉक कर दिया है मार्केट में गाड़ियाँ अलाउड नहीं है तो शॉप्स तो सब कुछ वैसे ही है कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि क्या ही चेंज हो जाएगा मार्केट में ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ था तो ये हमारा गांधी चौक है यहाँ पे एक गांधी जी की मूर्ति है तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं गांधी चौक यहाँ पे बीच में सब्जियाँ मिलती हैं आजू बाजू छोटे छोटे ऐसे कपड़े और मिठाई की शॉप है तो ये है गांधी चौक जो मैं आपको बोल रही थी यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू है और इसको चौक इसलिए बोला जाता है कि वहाँ से भी रास्ता आ रहा है एक यहाँ को जाता है एक वहाँ को जाता है और हम यहाँ से आए तो सारे डायरेक्शन से यहाँ पे तुम कहीं से भी आओगे तो यहाँ पे मिल सकते हैं मार्केट में मेन और हम भी किसी भी डायरेक्शन से जाए चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए हम एक ही जगह पर पहुँचेंगे मतलब घूम फिर के हम वहीं पहुँचेंगे तो हाँ तो मतलब घूम फिर के तुम कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हो मतलब कॉमन रस्तों में तो हम कहीं से भी कहीं को भी जा सकते हैं हर जगह पे रास्ता कहीं ना कहीं निकलता ही है टॉय शॉप यह पूजा स्वीट्स बहुत पुरानी शॉप है स्वीट्स की यह कुमार जलेबी ये भी बहुत पुराना है यहाँ पे पिथौरागढ़ में सभी पुराना ऑलमोस्ट बट जहाँ जहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ें लिया करते थे वो याद आ रहा है देखते हैं सत्कार और ये दूसरा एक एंड है वहाँ से गाड़ियाँ आती है टू व्हीलर्स वगैरह तो वो दूसरा एंड है शैना आर यू एंजॉय ओ माय गॉड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यूनी तो एक डॉल दिखा प्यारी सी वो बारहवीं दिखा दे कैसे हो भैया बढ़िया ओहो बेटा इसको तो नहीं बताना ये तो बहुत ही कमजोर हो गई कमजोर तो कुछ नहीं हो रही हो सही हो गया बैठना कुर्सी देता हूँ हाँ नहीं नहीं पूरे कई सालों में आए तो बताओ बड़ा आज चार साल में वही तो कह रहा हूँ 15 तारीख को हो गई शादी हाथ के फिट हो गया चल बहुत खुशी की बात शना गेटिंग समथिंग Which one? मुझे तो ये अच्छी लग रही है देख मर्मेड वाओ मर्मेड वन इज प्रीटी उसको ये अच्छी लग रही है उसको ना आईज ऐसे ओपन क्लोज होने वाली चाहिए एक्चुअली ठीक है व्हाटएवर यू से यू ओनली चूज आई विल बाय दो इसमें पिंक है एक वाइट है एक वाला वाइट है पहले से उसके घर में है वो उससे ये सब चीजें नहीं जा सकती हाय वासी सपना ही मम्मा ने दिलाया मुझे अच्छा ठीक है सब हो रहा है करना हो रहा है वहाँ से आप कभी आए कब आए अभी आई वो तो अच्छा मैंने इधर को देख लिया क्योंकि मेरे को कुछ लेना था तो तब देख रही थी मैं तो अपनी दीवार के लिए तो आपने हमको देखा ये देखिए आपको खुशी मिली बहुत ज्यादा क्या क्या बहुत ज्यादा खुशी मिली हमको देख के राजा से मेरे को बहुत खुशी मिली मेल वही है ना फूल का और इसको भी आप
क्लास के हैं, 5 से 7 हो गया। दिखाओ दीदी कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इसके साथ। कौन सा आता आपको? थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी पहुंची वगैरह दिखाना। हाँ ये हमारी पहाड़ी पहुंची और यहाँ पे भी पूरा सेट बन के यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ही प्यारे प्यारे सेट लग रहे हैं। 5 तो लगे। ये देखिए सब बने बनाए हैं सब कुछ, और जो भी बनना है वो भी बन जाता है। तो अभी हम मैं आ गई हूँ, मतलब हम सब आ गए हैं गोविंद लाल सुनार के पास। मैं क्या बताऊँ उसके बारे में भी, बचपन से तो मतलब जब से मतलब बचपन से हर जी यही मतलब यहीं पर ही आते थे, छोटे छोटे थे तब से भी मम्मी लोगों के साथ यही आते थे। और अपने अभी हर सारी जितनी भी ज्वेलरीज बनती है हमारी यहीं से बनती है, गोविंदनाथ सुनार के यहाँ पे से। तो अभी यहाँ पे आए हुए हम और अंदर चलते देखते हैं मम्मी लोग क्या कुछ ले रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर आके इतना अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि जब से मतलब ऐसा बोल रहे हैं जब से होश आई है कि हम मम्मी लोग के साथ मार्केट आना स्टार्ट किया, ये कुछ चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो रही है। तो तब से भी ये भी था कि मम्मी लोग सुनार के यहाँ पे आते थे तो यहीं पर ही आते थे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। अभी तो काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, पहले तो ऐसे नहीं था। ये भैया बचपन से देखते हैं भैया हम आपको तो हमेशा मम्मी के टाइम से अभी तक हम हमेशा ज्वेलरी यहीं से ही लेते हैं। हमारी 75 years पुरानी दुकान है, 75 साल पुरानी दुकान। हाँ वही बताया मैंने, पापा बैठते थे। हाँ पहले उनके पापा बैठते थे, अभी तो काफी मॉडिफाई कर दिया आपने। अभी देख के मेरे को एकदम नया नया सा दिख रहा था। ऊपर भी है जी। अच्छा ऊपर भी कर दिया, डायमंड का ऊपर है। अच्छा डायमंड का भी किया आपने, सिल्वर का ऊपर है। अच्छा ये सेट्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। गलोबंद भी ले रहा है। हाँ ये सिल्वर की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। बाकी इनके कलेक्शन के बारे में तो क्या बोलूँ मैं, सब कुछ मिलेगा। कलेक्शन पर सब कुछ तो था पहले से, बस गलोबंद नहीं था। ये है गलोबंद, इसको उस दिन अजय बता रहा था, हम लोग बैठे हुए थे ना, कि एक गलोबंद होता था करके। तो ये एक पट्टा जैसा होता है जिनमें ऐसा सोने का ये होता है, और ये गले में पहनता है। दीदी जिस दिन पहनेगी उस दिन और दिखाऊंगी मैं आपको। ये भी अपना ट्रेडिशनल ही है ये चीज़। तो जो भी ऐसे मतलब हार कान के तो वो सब तो होते ही हैं, पर ये हमारा ट्रेडिशनल है। और ये पौचियाँ जो होती है ये भी ट्रेडिशनल होती है। पहाड़ी पहनते हैं, देश में तो कोई मतलब देसी लोग नहीं पहनते ना हार, कंगन चूनी तो सभी पहनते हैं, पर ये अपना ट्रेडिशनल है। भैया दिखाना एक पौची निकाल के प्लीज, घर पर तो है बट। हाँ ये तो हम हाथ में पहनते हैं इसको। दिखाओ, वाह बहुत प्यारा लगा। बाकी सब कुछ तो मेरे पास था लेकिन मैं रिन्यू करा रही हूँ अपनी, ज्वेलरी पुरानी हो गई थी पर गलोबंद नहीं था मेरे पास। बहुत प्यारा लग रहा गलोबंद, मतलब गले में एकदम टच होके बंद सा चोकर काइंड ऑफ। हाँ मतलब वो लोग चोकर भी बोल सकते हैं। हाँ नहीं गई शेना भी जाएगी। कमिंग छोटी मोटी दैट वाज अ ग्राउंड फ्लोर, नाउ दिस इज अ फर्स्ट फ्लोर। तो पिछले 2 घंटे से हम लोग यहीं पर ही हैं, बता देती हूँ आप लोगों को। पता है पहले क्या होता था, हम लोग ना
मम्मी लोगों के साथ आते थे ना तो हम बोर हो जाते थे, और आज मैं फिर से वैसे वाला बोर हो रही हूँ क्योंकि दीदी को यहाँ पर कुछ काम था, मम्मी और दीदी आगे बैठे थे और शायद पीछे बोर हो रहे थे। हाँ आपको आज मजा, मैं कह रही हूँ जब हम पहले आते थे मम्मी लोग कुछ करते थे तो हम बोर होते थे। हाँ तो दीदी बोल रही है डॉली आज मुझे मजा आ, आपको तो आएगा, आप तो ले रहे हो शैनन की शादी का भी यहाँ बनाना होगी दीदी। हाँ पक्का पहाड़ी सोना बनाना होगा तो यही आएंगे, मैं कह रही हूँ इसकी शादी का भी यही होंगे। Enjoy? Yes. कैसा हो रहा भाई? वो पुरानी वाली यादें ताजा हो गई हैं। सारे हम मेघना में आके डोसा और चाउमीन खाते थे, वही टेस्ट है सेम। मैं अभी अंदर एंटर करती थी ना, मैंने कहा एक तो मेघना वाली खुशबू है। मैंने गुलाब जामुन भी किए हैं क्योंकि हम गरम गरम गुलाब जामुन खाते थे ना। हम कहीं पर भी पूरे बैंगलोर में कहीं जाते हैं ना तो हम सोचते अरे मेघना से चाउमीन हो रही है, मेघना से चाउमीन। चाउमीन बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे नूडल्स मिलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर चाउमीन मिलती है, और वो गरम गरम गुलाब जामुन खाने में कितने मज़े आते हैं। मम्मी क्या तो रात हो गई है और देखो यहाँ पे मार्केट का माहौल, मार्केट बंद होने लगी है। और मैं थोड़ा पीछे किसी और शॉप पे गई थी, मम्मी लोग आगे शॉप पे गए हैं, थोड़ा सा कुछ खाने बैठ गए थे। वैसे बहुत जल्दी रात हो जाती है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे होने चाहिए थे वो, यहाँ से भी निकल गए हैं, तो मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि अभी कहाँ पे हो आप। लाओ हैवी हो गया होगा, लग जा। पानी देखिए तो खुश आती है, उसने बकेट का पानी देख लिया। अच्छा नहीं चल चल। तो ये सब था मेरे इस व्लॉग में। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज स्वाति की डिजिटल डायरीज। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।